कोरोना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश भर में कोरोना का लगातार बढ़ता हुआ ग्राफ। आपको बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में 2 बजे की रिपोर्ट तक 76 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। अभी तक आपको बताया था 57 मरीज, 2 बजे की रिपोर्ट के बाद 76 हो गए हैं। उदयपुर में 23, जयपुर और जोधपुर में 6, पाली में 4, जालौर जिले में 3 मरीज, चूरू और राजसमंद में 2-2 कोरोना के पॉजिटिव केसेस यहां पर सामने आए। प्रदेश भर में लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर, दौसा और कोटा में 1-1 कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया, 2 बजे की ताजा रिपोर्ट। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 3655 हो गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, जो दायरा है कोरोना के संक्रमण का वो लगातार प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, बेहद गंभीर स्थिति। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना का जो दायरा है प्रदेश में वो बढ़ता जा रहा है और प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव संख्या 3655 हो चुकी है। ऐसे में जो बढ़ती संख्या प्रदेश के लिए चिंता की बात है, लेकिन राहत भरी खबर है कि कोरोना पॉजिटिव वो ठीक होते नजर आ रहे हैं, जिसकी बड़ी संख्या सामने आ रही है। लेकिन बात करें तो प्रदेश में आज 76 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं अब तक, और जिसमें बात करें तो सबसे अधिक उदयपुर में आज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। 23 कोरोना पॉजिटिव उदयपुर में आए हैं और उदयपुर में जो कोरोना का जो आंकड़ा है वो 102 हो चुका है। कल उदयपुर में 59 कोरोना पॉजिटिव एक साथ सामने आए थे। ऐसे में उदयपुर में 2 दिन में ही बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव सामने आए, तो चिंता की बात अब उदयपुर में भी लगातार बढ़ती जा रही है। चित्तौड़ में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव वो सामने आ रहे हैं। चित्तौड़ की बात में भी कोरोना पॉजिटिव 126 हो चुके हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज 20 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और जयपुर में अब तक 1165 कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जोधपुर में कोरोना के आज 6 केस सामने आए हैं और 857 जोधपुर में सबसे जो दूसरे नंबर पे जोधपुर है वहाँ पे 857 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। अजमेर में भी आज 13 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और अजमेर में 209 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। बात करें कोटा की तो कोटा में भी 1 कोरोना पॉजिटिव आया है और कोटा में 237 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। लेकिन वही जो राहत भरी खबर यह है की प्रदेश में अब तक 2026 कोरोना के जो पॉजिटिव थे वो ठीक हो चुके हैं और ठीक होने पर 1771 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जो राहत भरी खबर ये प्रदेश के लिए कही जा सकती है। सबसे अधिक जहां कोरोना के पॉजिटिव जयपुर में है, 1165 अब तक कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं, उनमें से जो 720 कोरोना के जो केसेज हैं वो नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि 720 जो पॉजिटिव मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं, उनमें से 641 थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो राहत भरी ये खबर है। जो जयपुर में अब तक जो एक्टिव केस है तो 391 अब एक्टिव केस नजर आ रहे हैं, साथ ही प्रदेश में भी 1526 एक्टिव केस अब तक है। बात करें जांचों की तो अब तक 1,60,000 के करीब कोरोना के सैंपल वो लिए जा चुके हैं, जो एक प्रदेश में लगातार जो कोरोना का जो दायरा है उसमें जांचों की कैपेसिटी है जो समझा है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जो प्रदेश के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी नए जो प्रयोग है वो किए जा रहे हैं। जयपुर के बाद में अब जोधपुर मेडिकल कॉलेज को प्लाज्मा थेरेपी की अनुमति मिल चुकी है, जोधपुर में भी इसी को लेकर इलाज अब जारी किया जा चुका है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद लोकेश। पूरे प्रदेश भर में यहाँ पर जो कोरोना का संक्रमण है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। 2 बजे की ताजा रिपोर्ट में 76 मरीज कोरोना के अभी तक सुबह से सामने आ गए हैं। जयपुर के बाद फिर जोधपुर, चूरू, राजसमंद से क्रमशः कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है।